सर्कुलेट तो हो रहा है अब तो, मतलब वो रेस्ट करके फिर इस्तेमाल करके वो तो हो रहा है, मतलब भले ही शोएब आपको ये लग रहा हो कि टीम उतरेगी तो टायर्ड रहेगी, पर हमारा जो मेन स्टे है वो तो इन दोनों मैचेस कम से कम इस स्टेज में विराट कोहली रेस्टेड है, रोहित शर्मा रेस्टेड है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि T20 इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पे काफ़ी समय के लिए ना आपको टाइम मिल जाता है बॉडी को रिकवर करने के लिए, और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लड़के में फटीक रहेगी, थके रहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय मिल गया है बीच में। IPL ख़त्म हुआ तो 8-9 दिन का ब्रेक है अगर देखा जाए तो कायदे से, तो उन दिनों में ये जो फिटनेस लेवल पहले हुआ करता था और आज की जो फिटनेस लेवल है भारतीय टीम की, आप देखोगे पहले वी यूज़ टू सी साउथ अफ्रीकन कैसी फील्डिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कैसी फील्डिंग करते हैं, वी यूज़ टू ओनली विश कि यार कभी हमारे पास ऐसे फील्डर्स हों, एंड नाउ इफ़ आई लुक बैक, अब अगर वो ज़माना देखूँ और अब देखूँ तो लगता है कि यार वी आर फार बेटर देन साउथ अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियन एंड एनीवन, इफ आई सी यू नो अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली टू एनीवन हु फील्स, मतलब बॉल को निकलने नहीं देते हैं, तो फिटनेस वाइज या फटीक वाइज मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन टीम अब उस लेवल पे है, क्योंकि जो फिटनेस पहले थी और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे शोएब से, फास्ट बॉलर एक ज़माना ऐसा था कि हम कहते थे कि यार काश कभी एक दिन ऐसा हो कि मतलब इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, तो इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अगर हमें मिल जाए तो हमें हम दुनिया जीत लेंगे, बट आज इतना काम हुआ है, यू नो एंड वी आर सो प्राउड दैट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द टॉप फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। मोहम्मद शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, आप देखिए उमेश यादव को मौका कम मिलता है, जब मौका मिलता है वो विकेट निकालता है, एंड अभी आप देखेंगे सिराज और उनके अलावा जितने भी सैनी जितने बॉलर हैं 150 के करीब बॉलिंग करते हैं। ये उमरान कौन है लड़का? उमरान मलिक कौन है लड़का? नया जो है उमरान मलिक भी है, जम्मू कश्मीर का लड़का है, 150 की स्पीड से बॉलिंग, क्विक, वेरी क्विक, अच्छा शार्प, बिल्कुल वकार यूनुस की तरह एक्शन है बिल्कुल, और बहुत बढ़िया बॉलर है। मैंने ट्विटर पे देखा था उनको, देखा नहीं। क्या है कि हमारे ये ट्रेडिशन बिल्कुल बदल गया है, एंड दैट्स प्रोबेबली द रीजन इंडिया इज विनिंग अब्रॉड। जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो हमारे पास जहीर खान था, इकलौता ऐसा बॉलर जो घोड़ा एक तरफ से लगा रहता था, और साथ में सपोर्ट नहीं मिलती थी। श्रीशांत बीच में आया, वो थोड़े सालों के लिए रहा फिर निकल गया, बट हमारे पास कभी ऐसे फास्ट बॉलर नहीं थे। नाउ वी हैव मीडियम पेसर्स को फास्ट बॉलर बोलकर संतोष किया जाता था।